नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये एक तो हेल्दी है और इजी भी है, बेसिक मसाले से बनेगा ये। और ये बता रही हूँ, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, इससे कुछ कम नहीं होता है। इवन बता रही हूँ, ये नान, रोटी, पूड़ी, पराठा, हर चीज़ के साथ जाता है ये। और एकदम हेल्दी तो है ही है। बनाएंगे मूंग और पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, जो साबुत मूंग आता है ना। और सोने पे सुहागा तो ये है कि बनाएंगे कुकर में। सोचो कितना आसान होगा इसको बनाना। मैं बता रही हूँ आपको, 10 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी बना करके आप रेडी कर सकते हैं। मेहमान भी आए घर में ना, तो ये सब्ज़ी आप बनाकर सर्व कर सकते हो। इतना टेस्टी ये सब्ज़ी होता है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। मूंग और पनीर की सब्ज़ी हम बनाएंगे कुकर में। तो कुकर मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून बड़ा चम्मच भर के हम तेल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल। तेल गरम हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 कप मूंग ले लिया है भिगा हुआ, ओवरनाइट इसको भिगा करके हमने ले लिया। अच्छे से ये फूल गया है, ये 1 कप भर के है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पनीर, होममेड पनीर है। तेल गरम हो गया है, एक छोटे साइज़ का मैंने तेज पत्ता ले लिया है, 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया है और 1/3 टीस्पून जीरा ले लिया है। ये हम तड़का दे देंगे, साथ में हम 1/4 टीस्पून जितना हींग डाल देंगे। याद रखना कि ये मूंग का सब्जी रहेगा तो ये पाचन शक्ति में काम करेगा हमारे। खाने के बाद तो पचाना भी है ना, तो ये काम वो ये करेगा, हींग करेगा पचाने वाला। आप आराम से खाइए, पचने का टेंशन मत लेना, इसीलिए तो हींग है ना, ये अपना काम करेगा। तड़का हो गया है, काला नहीं करना है जीरा को, ध्यान देना। एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज हम इसमें डाल देंगे और 1/2 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है, कद्दूकस कर लिया है। आप बारीक काट करके भी डाल सकते हो, पेस्ट भी डाल सकते हो। ये साथ में ही डालेंगे प्याज के, ये बढ़िया भुन जाएगा। प्याज देखो एकदम लाइट भुन गया है, हल्का सा कलर आ गया है प्याज में। अब इसमें हम डाल देंगे मसाला, फ्लेम को एकदम कम पे कर देंगे ताकि मसाला जले ना। अभी तक मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही थी। 1 चम्मच भर के इसमें, टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और 1/3 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। एंड तीखा जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1/4 टीस्पून हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे तीखा वाला। कुछ सेकेंड इसको हमें भुनना है। मसाले से एकदम बढ़िया अरोमा आने लगा है, पक गया है। 2 छोटे साइज़ का एकदम बारीक मैंने टमाटर काट लिया है, ये डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम हाई पे कर देंगे। अब थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जितने नमक की ज़रूरत होगी हमें। टमाटर भी गल जाएगा और नमक भी एकदम साथ में बढ़िया भुन जाएगा। टमाटर थोड़ा सा गल गया है, थोड़ा सा। साथ में ही हम मूंग भी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा ये भी भुन जाए साथ में, क्योंकि हमें पनीर को भुनना तो है नहीं बिल्कुल, क्योंकि पनीर भुनेंगे तो इसी में भरता बन जाएगा। पनीर हम ऐसे ही डालेंगे ऊपर से। 1 मिनट तक मैंने भून लिया है मूंग को भी, 1 बड़ा चम्मच भर के, 1 टेबलस्पून पूरा फुल भर के मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। ये बढ़िया भुन गया है। अब इसमें हमें पानी डाल देना है, जिस 1 बाउल भर की ये था ना मूंग, उसी से मैं पानी भी डाल रही हूँ ताकि एकदम परफेक्ट अंदाज मिले। 1/2 कटोरी पानी हम और डाल देंगे इसमें। अब इसमें जाएगा ये पनीर और अब ऊपर से जाएगा इसमें गरम मसाला। नमक इसी स्टेज पर टेस्ट करके आप एडजस्ट कर सकते हो। 1/4 टीस्पून हम ऊपर से गरम मसाला डाल देंगे, बढ़िया हमें मिक्स कर देना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब हमें कुकर का लिड लगा देना है। लिड लगाने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे हम 1 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को मीडियम पे करके हम कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा, मूंग का ये भी होता है कि कोई कोई मूंग जल्दी कुक हो जाता है, कोई कोई लेट कुक होता है, तो उसके ऊपर आप ध्यान देना।
कुकर एकदम कम्प्लीटली ठंडा हो गया है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। वाह देखो पनीर की साइज़ जो है एकदम फूल फूल के डबल हो गया है। मैं पास से दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में। ये दाल और सब्जी दोनों का काम कर देता है। ऐसा लग रहा है कि रसगुल्ला है ये पनीर। कंसिस्टेंसी इसकी एकदम परफेक्ट हुई है कुकर में, दिखा रही हूँ, क्योंकि ये ठंडा होगा थोड़ा और थिक होगा, इस चीज़ पे ध्यान देना। ये देखो हमारा मूंग और पनीर की सब्जी बनकर रेडी हो गया है, वो भी कुकर में। इतना क्विक, टेस्टी बहुत होता है, सुपर हेल्दी है, पूरा प्रोटीन से भरा हुआ है। इस तरह से आप लोग भी बना करके एंजॉय कर सकते हो। राइस वगैरह से तो खा ही सकते हो, नान पूड़ी पराठा से भी खा सकते हो। ये देखो कितना अमेजिंग सब्जी ये बना हुआ है। आप लोगों को भी देख के काफ़ी आसान लगा होगा ना, किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मसाला भी बेसिक है, सारा चीज़ घर में आपको मिल ही जाएगा। पनीर का है, चाहे खरीद लो चाहे बना लो। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एक बार ज़रूर बनाकर ये रेसिपी खाना, सीरियसली बहुत पसंद आएगा ये। और कमेंट करके भी ज़रूर बता देना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, जो नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।